वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 32.95 पे रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहा स्टॉक 85 पैसे अप है। यहाँ पे रिसेंटली 2.65% की तेजी देखने को मिले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक के अंदर। मीन जैसे स्टॉक ओपन हुआ था आज गिराव देखने को मिली थी, 32 लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल थी उसको ब्रेक किया और तकरीबन एक अच्छी मूवमेंट बाइंग साइड में देखने को मिले। 33 लेवल जो है यहाँ पे रिसेंटली रिवीजन एक्ट हो रहा है इंडियन रेलवे के लिए। तो देख सकते हैं आरएफसी स्टॉक की यहाँ पे बात की जाए तो न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे, कोई खास न्यूज है क्या तो रिसेंटली देख सकते कि गवर्नमेंट भी सेल करने वाले 11% स्टेक यहाँ पे आरएफसी में, जो रिसेंटली कोई खास अपडेट नहीं, लास्ट वीक में ही वो न्यूज आ चुकी थी। पर रिसेंटली देख सकते कि स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छे मोमेंट, एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले। मार्केट कैप जो है 42,000 करोड़ का है, पी रेशियो 6 का है और डिविडेंड यील्ड 4% का। लास्ट 5 डेज में देख सकते कि स्टॉक में गिरावट के बाद फिर से रिकवरी यहाँ पे देखने को मिले। वॉल्यूम की बात की जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम के ऊपर नजर डाल सकते हो, जैसे कि ट्रेडेड वॉल्यूम 6,75,00,000 का ट्रेडेड वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू जो है 21,881 लाख की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले। बाइंग के लिए 73 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है और सेलिंग के लिए 1,37,00,000 क्वांटिटी पेंडिंग है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन की बात की जाए तो 5,50,00,000 में से 1,47,00,000 क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिला के 26-27%। तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिले, काफी गिरावट लास्ट वीक में देखने को मिले पर रिसेंटली रिकवरी तो अच्छी खासी देखने को मिले। ऊपर 33 के क्लोजिंग देता तो फिर और ऊपर 35 लेवल तक जाने के चांसेस ओपन हो सकते हैं।